हेलो फैमिली मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं आज बनाएगा चिकन करी, थोड़ा ट्राई में बनाना है। तो हमेशा हम लोग अलग 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 से खाना टेस्ट करने के लिए मन होता है, तो एक सेम चिकन करी सेम बनाकर खाने से बोर हो जाता है। तो मैं कभी कभी ऐसे बनाकर खाती हूँ, तो आज आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत बनाने के लिए बहुत ईजी है ये, तो आप लोग को पसंद है तो आप लोग भी जरूर ट्राई कर लेना। और इस वीडियो में जो भी नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलना, और मेरे वीडियो लास्ट तक देखना। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये कैसे करना है, मैंने तो तेज पत्ता डाल दिया है, एक किंग चिली डाल दिया है, मैंने मेरे को थोड़ा स्पाइसी पसंद है। और ये है ग्रीन चिली, थोड़ा सा, दो अनियन और दो टमाटर। तो ये सब एक साथ डालना है ऐसे। उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन पेस्ट बनाकर रखा हुआ है, ये डालेगा। और उसके बाद मसाला डालना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ छोटा सा स्पून है ये, इसलिए मैं यहाँ दो डालती हूँ। ये दो छोटा सा दो स्पून है ये। ये धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर 1 स्पून, ज़्यादा नहीं डालना है जीरा का। ये चिकन मसाला है 1 चम्मच, छोटा सा स्पून है, तो ये भी दो डाल देती हूँ। धनिया, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर। तो उसके बाद में यहाँ सब कुछ चिरा है ना, ये थोड़ा सा ये डाल देती हूँ। ये डालने से बहुत ज़्यादा तेज आता है। उसके बाद 1 चम्मच नमक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा ऑयल यूज़ करो, जैसे आप लोगों को पसंद है इतना डाल सकती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना मैंने। उसके बाद ये क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। बनाने के लिए भी बहुत इजी है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्ट आता है। आप लोग को ये पानी डालकर भी ग्रेवी डाल टाइप में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे को तो ट्राई पसंद है, तो मैं आज ये ट्राई बनाएगा बस। या जैसे, सॉरी, या जैसे मिक्स कर दिया ये। अब ये क्या करना है, 5 मिनट के लिए ये बंद, ऐसे बंद करके रखना है 5 मिनट्स के लिए। तो 5 मिनट मैंने रख लिया है, तो ये है गैस ऑन करके ये फ्लेम पूरा डाउन करो, फ्लेम पूरा डाउन करके 10 मिनट्स बिना छोकर। अभी जैसे मैंने ऐसे रखा हुआ है, जैसे आटा जैसे मिक्स करके रखा हुआ है, बिना छोकर 10 मिनट्स ये ढक्कन बंद करके बनाना है। फ्लेम पूरा डाउन करके, पूरा स्टीम करके 10 मिनट्स बनाना है। वाह, अभी देखो 10 मिनट्स रखने के बाद मसाला बहुत अच्छे से बन गया है ये। अभी क्या करना है, आप अभी फ्लेम और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फ्लेम बढ़ा दिया है, सॉरी। हमें इसमें डालना है थोड़ा सा कसूरी मिर्ची। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर, अभी फ्लेम हाफ फ्लेम में बनाओ, ना ज़रा तेज ना ज़रा कम। उसके बाद ये बंद करके रख देती हूँ और थोड़ा टाइम, ये 10 मिनट और भी रखो। 10 मिनट्स के बाद मैं और कॉल कर दिखाती हूँ। ये 10 मिनट्स के लिए बंद करके रख देती हूँ। और वाह, बहुत अच्छे से बन गया, देखो बहुत अच्छे से कलर भी आ गया, मसाला भी अच्छे से भी बन गया, बहुत टेस्टी है और बनाने के लिए भी बहुत इजी है। तो आप लोग जरूर ट्राई करके खाना। यहाँ थोड़ा सा लास्ट गरम मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ, धनिया डालना है।
इसके बाद स्प्रिंग ऑनियन, तो ये घर का चिकन करी तैयार हो गया। तो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज आप लोग करने जरूर ट्राई करके देखना, और आप लोगों को कमेंट्स में कैसा लगा जरूर हमको बता देना। थैंक यू। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा खाना बन चुका है, मैं क्या क्या आज क्या बनाया कैसे बनाया मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो मैं खाना करना स्टार्ट करती हूँ। तो आज बनाया था वही है, चिकन है, चिकन लिवर गिजर्ड करी बनाया था, और ये है बेम्बूशुक बटर, मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सब्जी ट्राई बनाओ और बेम्बूशुक का सब्जी बनाओ। और ये एक ऑनियन है, और थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च। ओ लेट्स स्टार्ट। गरम गरम चिकन करी, ओ बहुत टेस्टी। लहसुन भी खाना चाहिए। तो सब सब्जी देवी मैं छे ना
बेसी चला साँच्चै त खाना सब फिनिश हो गया तो आज का वीडियो यहाँ खत्म कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय।